फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर स्फेरिकल सेल है मतलब हॉलो है, तो उसके कारण अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले बाहर पी पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो स्फेरिकल सेल को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए क्या करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा और उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेट के बाद यहाँ पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है रिंग के कारण तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है स्फेरिकल सेल, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में बहुत दिक्कत आता है। तो इसमें देखिए इसको कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले क्या करेंगे, स्फेरिकल सेल को आप एक तरह से सोच सकते हैं कि ये एक रिंग से बना हुआ है, जैसे ये छोटा सा रिंग, इस पॉइंट पर एक स्मॉल रेडियस का रिंग, फिर एक थोड़ा सा उससे बड़ा रिंग, फिर थोड़ा सा बड़ा रिंग, थोड़ा सा बड़ा रिंग, थोड़ा सा बड़ा रिंग, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा और इस तरह ये पूरा बनता जाएगा। जैसे मैंने एक थीटा एंगल पर क्या कर दिया, एक रिंग मान लिया, ये रिंग है मेरा। तो अगर हम इस रिंग के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, ठीक है, देखिए स्फेरिकल सेल ऐसे होता है, तो ये थीटा एंगल पर हमने एक ऐसे रिंग मान लिया, ये रिंग हो गया मेरा, इसके कारण अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और ये थीटा तो वेरी करता जाएगा ना, तो इसके बाद वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वही उसके अनुसार होगा, उसके अनुसार, और सारा ऐड होता जाएगा इंटीग्रेशन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल जाएगा मेरा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लास्ट में, इसका ट्रिक होता है इसको याद रखने के लिए क्या होता है बाहरी पॉइंट पर, तो पहले आप देख लेते हैं कैसे बनेगा, बस स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं आपको। अब देखिए थीटा का लिमिट क्या होगा, ये थीटा का लिमिट 0 से 180, मतलब जैसे ही यहाँ पर आप अभी यहाँ इस पॉइंट पर है, यहाँ पर लिमिट कितना होगा, थीटा का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर जो रिंग बनेगा वह सबसे स्मॉल रहेगा, मतलब उसका रेडियस 0 रहेगा। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, रिंग का साइज बढ़ता जाएगा, और जब यहाँ 180 पर पहुँच जाएगा फिर सबसे स्मॉल हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर सबसे बड़ा रिंग बनेगा, यानी जो सबसे बड़ा रिंग बनेगा 90 डिग्री पर, उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बन सकता है। तो ये सारा चीज़ हो गया थीटा का लिमिट, और यहाँ पर ये रिंग लिए हैं आर्बिट्रेरी किसी थीटा एंगल पर, तो उस पर रिंग पर चार्ज कितना है मान लेंगे, चार्ज dQ है, और स्फेरिकल सेल पर टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, और रेडियस आर था। तो ये स्मॉल रिंग है तो इस पर चार्ज तो स्मॉल ही रहेगा ना, इस पर चार्ज कितना है, dQ। अब देखिए अगर आप यहाँ से अब आगे करते हैं कैलकुलेशन, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको dQ हमको पता है, मान लेते हैं ये पता है, इसके कारण अगर ये रिंग पर चार्ज dQ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये एक इसी का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण स्फेरिकल सेल है उसका एक स्मॉल एलिमेंट है, इसके कारण कितना बनता है, यहाँ पर हम लोग पहले लिख दिए, वी नो डैट अगर रिंग क्यू चार्ज है आर रेडियस एक्स डिस्टेंस पर निकालना है, kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, स्मॉल यहाँ पर है तो स्मॉल के स्मॉल dQ, और यहाँ से कितना डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, यहाँ एक्स लिखेंगे अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर नहीं पता है, एक्स स्क्वायर पता है, देखिए kqx, लेकिन अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाइएगा, इसी कारण ये नीचे लिखे, नीचे में क्या देखिए, ये OAP पॉइंट है, OAP पॉइंट सब उसी तरह है, ये इधर है तो इधर का भी रेडियस आर ही होगा ना, थीटा एंगल पर, तो ये OA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, वाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ए पॉइंट से तो इस रिंग से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस एक्स है, एक्स माइनस आर कॉस थीटा, और इसका रेडियस क्या जाएगा, आर साइन थीटा, तो यहाँ पर इसका रेडियस का स्क्वायर बोल रहा है, इस पॉइंट पर इसका रेडियस का कितना हो जाएगा, यही ना इसका रेडियस है, यही ना इसका रेडियस है, आर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। बस डिफिकल्ट है लेकिन बस आपको हम प्रोसेस बता दे रहे हैं कैसे होगा। फिर ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एक्स माइनस आर कॉस थीटा का स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ से जब कीजिएगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लेके कुछ कुछ होगा, तो kq और ऊपर में भी x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस पॉइंट से डिस्टेंस x माइनस आर कॉस, यहाँ तक क्लियर, बस इस ये कोई आर्बिट्रेरी लिए हैं
इस जगह से और इस जगह से कंपेयर करके हम लोगों ने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, डी क्यू। अगर मेरा डी क्यू निकल जाए तो उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो डी क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालेंगे रो, क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 4πr2। और ये जैसे ही रिंग, ये रिंग है, ये स्मॉल स्ट्रिप बनेगा ना, देखिए स्मॉल स्ट्रिप बनेगा क्योंकि आप जैसे ही थीटा एंगल पर डी थीटा स्ट्रिप ले रहे हैं, मतलब एक स्मॉल रिंग बना रहे हैं। तो इसका एरिया कितना होगा, ये बस इसको देखने के लिए कैसे इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉल डी क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल डी क्यू निकालना है इनटू एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अगर हम इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ये जितना एरिया बना रहा है ऐसे है, ये वाला जो स्फेयर मतलब जो सरफेस के ऊपर जो एरिया बना रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा, देखिए तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr। आर का वैल्यू कितना है, आर साइन थीटा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अब क्या कीजिएगा, बता दे रहे हैं आपको प्रोसेस, उसका तुरंत हो जाएगा। 2πr sin थीटा। अब 2πr sin थीटा अब उसके हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जो यहाँ पर ये थिकनेस बनेगा उस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। ये तो बस पेरीमीटर होगा उसका, जो जैसे पेरीमीटर बन रहा है ना, एक्चुअल में ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ऐसे ये वाला पेरीमीटर निकाल लिया, लेकिन ये थिकनेस जो बन रहा है जो डी थीटा एंगल पर लिए हैं, ये थिकनेस कितना होगा, आर डी थीटा। मतलब अगर कोई जैसे इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए ऐसे कोई यहाँ थीटा एंगल बनाता है, इसका रेडियस आर रहता है, तो ये आर्क कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। यहाँ पर जो ये आर्क बनेगा ये बहुत स्मॉल बनेगा ना, और ये कितना डी थीटा है, तो यहाँ पर ये आर है तो ये आर डी थीटा नहीं हो जाएगा जस्ट इसी तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये आर डी थीटा हो जाएगा। अब रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, तो डी क्यू का वैल्यू इतना हो गया, इतना इतना। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो देखिए डी थीटा का टर्म आ रहा है और सारा आर साइन थीटा आर कॉस थीटा है। थीटा का टर्म आ रहा है तो आप पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो भी आएगा डी थीटा का टर्म आ गया। और थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। रिलाइज हो गया आपको कैसे करना है, यहाँ पर कॉमन सब लीजिए। उसके बाद जब करने के बाद आप इसका रिजल्ट निकालिएगा, ये आएगा आपका k q upon x square। बहुत सिंपल आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पॉइंट चार्ज के कारण ही होता है, यानी अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k q upon r square। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, हाँ यही ट्रिक है इसका याद रखने का। अगर कोई स्फेरिकल सेल रहे या सॉलिड स्फीयर भी सेल रहे तो अगर बाहरी पॉइंट पर निकालते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। मतलब जैसे पॉइंट के कारण होता है तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, सारा चार्ज यहाँ पर स्थिर है और इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये याद रखने का ट्रिक है। लेकिन बनेगा इस तरह, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये इसी तरह इसका प्रोसेस है। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, तो अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि वहाँ और ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है। ये कर लीजिएगा आप करेंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर बन नहीं पाएगा आ जाएगा उस तरह करने के बाद। आप देखिए एक बार ट्राई करके, नहीं होता है तो फिर बोलिएगा, हम सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका PDF फॉर्म में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर निकालते हैं, अंदर निकालेंगे बस आपको बता देंगे कैसे होगा। ये सारा चीज़ इधर जितना था ये काम आने वाला था, निकाल देखिए अंदर निकालना है मतलब क्या करना होगा, ये पॉइंट निकालना होगा। देखिए अगर अंदर में कोई मान लेते हैं ए पॉइंट पर ही निकालना है तो क्या करना होगा ना, देखिए ए पॉइंट पर निकालना है तो इसको दो स्फीयर हाफ स्फीयर में बदल देना होगा, एक इधर वाले के कारण और एक इधर वाले के कारण। तो अगर हम देखा जाए अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिप लेते हैं इस तरह का, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। अगर हम स्ट्रिप इधर लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक, तो सबके कारण इधर वाले के कारण हमेशा इधर बनेगा, और ये वाला जो इधर बचा, अंदर में कोई पॉइंट ले लिए ए पॉइंट, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। तो जब सबको आप इधर वाला को इंटीग्रेट कीजिएगा इधर वाला, इसलिए बहुत हाई मैथमेटिक्स।
इधर वाले को इंटीग्रेट कीजिएगा, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप सोच रहे हैं इधर कम है इधर ज़्यादा है, वे नहीं होता है। एक्चुअल में ये कम है लेकिन इसका डिस्टेंस तो कम हो गया ना, डिस्टेंस कम हो गया तो नोमिनेटर कम हो गया तो दोनों ऑल ओवर वैल्यू बढ़ जाए, और यहाँ पे इस पर टोटल चार्ज ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस सबका दूर दूर है, इसके कारण इसका वैल्यू उसी के बराबर हो जाए। ये नहीं क्या इधर ज़्यादा है इधर कम है तो ये दोनों बराबर नहीं, दोनों जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यू कैन सी हियर हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी अगर आर ग्रेटर देन है रेडियस, रेडियस से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और रेडियस से छोटा है, रेडियस के बराबर भी चाहिए, रेडियस से छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। मतलब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लेस देन, मान लेते हैं यहाँ पे आर आर के बराबर है, इस पर वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जैसे ही इस पर जाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, वेरी करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपरबोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको कोई स्फेरिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछना है, बना रहे हैं फंस रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।